अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। तो इसमें बस कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये बस थोड़े से बताने की बात है इसमें कि जो हमारे सॉइल है ना उसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में दे रखा है कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे पता लगा है कि उसमें कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है। तो इसके लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, केमिकल में अलग अलग तरीके के इसके प्रोसेस होते हैं जो कि ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ काम का नहीं आता वो इग्नू में एग्ज़ामों में। तो जो अगला पॉइंट है कि तो अगला चीज़ जैसे सॉइल पीएच इसमें दे रखा है, सॉइल पीएच में क्या है, सॉइल पीएच से मतलब है कि जैसे अगर जो सॉइल का पीएच है ना वो डिपेंड करता है कि उस वो कितना न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर अवेलेबल है उसमें, सॉइल पीएच पे डिपेंड करता है वो। अगर सॉइल का पीएच 6.0 से 8.0 है तो इसका मतलब है कि वो आइडियल है, मतलब उसमें ज़्यादा ऑप्टिमम एक्टिविटी होगी, उसमें ज़्यादा अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, बस यही है, ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें।